हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स पढ़ो। मैं प्रवीण सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रीट लेवल 2 के लिए साइंस के अंतर्गत मिश्रणों का पृथक्करण। ठीक है, मिश्रणों को पृथक करने के लिए जो विभिन्न विधियाँ दे रखी है उन सभी के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। मैं आगे बढ़ने से पहले ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आप टेलीग्राम के ऊपर लेट्स पढ़ो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको डेली 9 बजे एक क्यूज मिलेगा जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जिससे आप अपना जो है साइंस हो चाहे हिस्ट्री पॉलिटी सभी टाइप के क्वेश्चन वहाँ अवेलेबल रहते हैं। आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों मिश्रणों का पृथक्करण। तो आप टॉपिक डाल दीजिए मिश्रणों का पृथक्करण। ठीक है, अब मिश्रणों का पृथक्करण क्या होता है? मिश्रणों का पृथक्करण यानी कि दोस्तों मैंने आपको कल बताया था कि मिश्रण क्या होते हैं। मिश्रण वे होते हैं जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक शुद्ध तत्व हो या यौगिक हो उन्हें मिला दिया जाता है किसी भी अनुपात में, क्योंकि यौगिक एक निश्चित अनुपात से मिलकर बना है और मिश्रण बिना किसी अनुपात के मिला दिया जाता है। जैसे पानी में चौक का बुरादा, पानी में नमक, पानी में शक्कर, हमने इसे इस टाइप से कोई भी मिश्रण बना दिया। अब ये मिश्रण बना दिया तो अब हमें उन मिश्रणों को अलग अलग करना है, और तो उन्हें अलग करने के लिए जो विधियाँ दी गई है किस प्रकार से हम उन्हें अलग कर सकते हैं, उसमें पहली विधि आती है दोस्तों क्रिस्टलन। क्या दे रखा है? क्रिस्टलन विधि। इन विधियों का कब उपयोग करना है, कैसे किया जाता है, क्या है, उन सभी के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको सभी विधियां बता देता हूं कि हम कौन कौन सी विधियां पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मिश्रणों का पृथक्करण करने के लिए पहली विधि है क्रिस्टलन, फिर आश्वन, और फिर दोस्तों ऊर्ध्वपातन। ठीक है, और चौथी है दोस्तों आपके प्रभाजी आश्वन। कौन सी विधि? प्रभाजी आश्वन। और नेक्स्ट जो पांचवी विधि है वो है आपकी वर्ण लेखन। क्या है? वर्ण लेखन। ठीक है, जिसका कलरिंग वाले जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट जो सिक्स्थ नंबर पर आती है दोस्तों वह आती है भाप आसवन। कौन सी विधि? भाप आसवन। ठीक है, तो टोटल कितनी विधियां हो गई दोस्तों? 6 विधियां हैं मिश्रणों को पृथक करने की। पहली है क्रिस्टलन, दूसरी है आसवन, तीसरी है ऊर्ध्वपातन, चौथी है प्रभाजी आसवन, पांचवी है वर्णलेखन, छठी है भाप आसवन। अब हम इन विधियों की एक एक करके चर्चा करेंगे। आप टॉपिक डालिए क्रिस्टलन विधि, क्रिस्टलन। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्रिस्टलन विधि, इस विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो अकार्बनिक ठोस पदार्थ होते हैं यानी कि इनऑर्गेनिक जो सॉलिड पदार्थ हैं, सॉलिड मैटर है, उसमें उपस्थित जो अलग अलग घटक है, उसमें जो उपस्थित अलग अलग तत्व है, उनको पृथक्करण करने में इसका उपयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन ऐसे इसी प्रकार के पूछे जाएंगे कि अकार्बनिक ठोस पदार्थों को उनके पृथक करने के लिए हम कौन सी विधि का उपयोग कर सकते हैं, तो क्रिस्टलन। तो आप इस ए नोट डाउन कर लीजिए, इस विधि का अकार्बनिक ठोसों, अकार्बनिक ठोस यानी इनऑर्गेनिक सॉलिड, इस विधि के द्वारा, ठीक है, द्वारा अकार्बनिक ठोसों में उपस्थित घटकों, जो इसमें उपस्थित अलग अलग तत्व, घटकों यानी कि तत्व हो सकते हैं अलग अलग, दो प्रकार के यौगिक हो इसलिए, तो घटकों का पृथक करण। ठीक है, एक सेकंड, इसे थोड़ा पृथक करण, घटकों का पृथक करण या शुद्धिकरण। शुद्ध भी तो कर सकते हैं भाई, कोई शुद्धि मिल गई हो तो हम उसे, तो शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक है, तो क्रिस्टलन विधि के द्वारा
हम क्या कर सकते हैं, जो अकार्बनिक ठोस होते हैं उन अकार्बनिक ठोसों को शुद्ध कर सकते हैं, या उन्हें जो है पृथक उनके अलग अलग घटकों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट कौन सी थी दोस्तों, आसवन विधि। और आसवन में तीन है, एक प्रभाजी आसवन है, एक भाप आसवन है और एक खुद आसवन है। ठीक है, तो प्रभाजी आसवन अलग है, भाप आसवन अलग है और आसवन अलग है। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब दो द्रवों का मिश्रण हमें दे रखा हो और उन द्रवों के भी क्वथनांक में जो अंतर हो, उनके क्वथनांक जो होते हैं उसमें जो डिफरेंस हो वो अगर ज्यादा हो, तब हम जो है दोस्तों क्या करते हैं, आसवन विधि का उपयोग करते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि जो भी पदार्थ है उसे पहले गर्म किया जाता है, और उसमें जो गर्म किया जाता है तो जो द्रव होगा, जो भाप बन सकता होगा, वह द्रव तो क्या हो जाता है, भाप बना दिया जाता है और उस भाप को इकट्ठा किया जाता है और फिर उस भाप का संघनन किया जाता है, यानी कि उस भाप को वापस इकट्ठा करके ठंडा किया जाता है ताकि हमें जो पदार्थ उड़ा है वह वापस से प्राप्त हो जाए। जैसे कि अगर नमक और पानी को मिलाया गया तो अब वो मिक्स तो हो चुके हैं, अब उसे तो अलग करा नहीं जा सकता, छानबीन कर रहे थे, उसे हम क्या करेंगे, गरम करेंगे। गरम करेंगे, अगर उनके क्वथनांक में ज्यादा अंतर है तो क्या होगा दोस्तों, नमक तो क्या करेगा, नीचे जमता जाएगा और पानी उड़ता जाएगा। अब हमें अगर पानी इकट्ठा ही करना है, वापस से चाहिए है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर एक बर्तन रखेंगे जिसमें भाप इकट्ठी होगी, उसमें पानी जो है बूंद बूंद के रूप में इकट्ठा होता रहेगा, तो पानी भी आ जाएगा और नमक भी अलग हो जाएगा। तो आप लिखिए, नोट्स लाइफ नोट्स पूरे बनवा रहा हूं मैं, इस विधि का मुख्यतः द्रवों के मिश्रण, द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है। ठीक है, द्रवों का जो मिश्रण होता है उन्हें पृथक किया जाता है, और ये कब किया जाता है, जब दो द्रवों, दो तीन जितने भी द्रव है उन द्रवों के क्वथनांक, किसमें, क्वथनांक, ठीक है, तो क्वथनांक को मैं अंतर अधिक हो। ठीक है, जो क्वथनांकों में अंतर हो वह अधिक हो तब इसका उपयोग करना है, जब अंतर कम होगा तब हम जो है दोस्तों प्रभाजी आसवन का उपयोग करते हैं, जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, अधिक किया जाता है। अब इसमें एक जो और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें पहला प्रकरण क्या रहता है, यानी इसमें पहले क्या किया जाता है, वाष्पन या फिर इसमें पहले संघनन। तो पहले दोस्तों इसका पहला जो प्रक्रम है वो होता है वाष्पन। ठीक है, पहले वाष्प बनाई जाती है, तथा जो इसका दूसरा स्टेप होता है यानी कि दूसरा प्रक्रम वो क्या कहलाता है दोस्तों, संघनन। क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। ये बात याद रखिएगा कि आसवन विधि तब उपयोग की जाती है जब दो द्रवों का मिश्रण हो, या एक ठोस और एक द्रव का मिश्रण हो, और ऐसा ठोस जो उसमें पूरी तरह से मिल चुका हो। अब इसका उपयोग, और मतलब इसकी एक और कंडीशन है कि दो द्रवों का जब क्वथनांक अधिक अंतर हो तब इसका उपयोग करेंगे, क्योंकि गर्म करने पर क्वथनांक अगर दोनों का सेम हुआ तो दोनों साथ साथ उड़ेंगे, तो वापस हो तो दोनों इकट्ठे ही है। क्वथनांक डिफरेंस होगा तो क्या होगा, जिसका ज्यादा होगा वो नीचे रहेगा, कम होगा वो जल्दी से उड़ जाएगा। ये बात है, ठीक है। तो पहला प्रक्रम इसमें वाष्पन है और दूसरा इसमें संघनन है। ठीक है, थर्ड मेथड क्या कहता है, और थर्ड मेथड है कौन सा, तो ऊर्ध्वपातन। कौन सा है, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, अब ऊर्ध्वपातन क्या है, तो ऊर्ध्वपातन जो है दोस्तों इसका उपयोग तब किया जाता है जो ऐसे कुछ ठोस पदार्थ हो, जैसे कि आपने देखा होगा नेफ्थलीन है, कपूर है, एंथ्रासीन है, अमोनियम क्लोराइड है, बेंजोइक अम्ल है, ये सब कैसे होते हैं, इन्हें जब गर्म किया जाता है होते ठोस में, जैसे ही गर्म करते ही सीधा गैस में वो कन्वर्ट होते हैं, द्रव में नहीं बदलते हैं। तो ऐसे ठोस पदार्थों को आप लिख लीजिए इसे, ठोस पदार्थों को
गरम करने पर बिना द्रव में बदले, बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो ठोस पदार्थ जिन्हें गर्म करने पर वे सीधे क्या होता है, गैस में बदल जाते हैं। ठीक है, इसमें इस विधि का, ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग जो है मुख्यतः कब किया जाता है, जब हमारे पदार्थ में क्या हो, या तो कपूर हो या अमोनियम क्लोराइड हो, यानी कि NH4Cl हो, क्लोराइड हो, NH4 है, ठीक है, हाँ क्लोराइड हो, या फिर दोस्तों जो है आपके क्या हो, नेफ्थिलिन हो, जो कि नेफ्थिलिन तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये तो याद हो गया होगा आपको। और आप और कब यूज कर सकते हैं, तो एंथ्रासीन हो, क्या हो, एंथ्रासीन हो, और आपके किस में यूज किया सकता है, एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है बेंजाइक अम्ल जो होते हैं, बेंजोइक अम्ल, उसमें तो बेंजोइक अम्ल, ठीक है, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन, नेप्थिलीन, बेंजोइक अम्ल, ये सभी जो प्रोडक्ट है अगर ऐसा हमारे मिश्रण में हो तो हम ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये पदार्थ बिना द्रव में बदले सीधे गैस में कन्वर्ट होते हैं। नेक्स्ट विधि प्रभाजी आसवन। ठीक है, कौन सी विधि है, प्रभाजी आसवन। अब हम बात करेंगे प्रभाजी आसवन के बारे में। तो प्रभाजी आसवन विधि जो है दोस्तों, इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब मिश्रण तो द्रवों का ही हो, जिस प्रकार से आसवन में था, लेकिन इसमें क्या होगा, क्वथनांकों का अंतर बहुत कम होना चाहिए। आसवन विधि में क्या था, अंतर अधिक होना चाहिए, प्रभाजी आसवन विधि में क्वथनांकों का अंतर कम होना चाहिए। ठीक है, बाकी इसका उपयोग कब कब किया जाता है, तो देखो जलीय वायु जो होती है, मतलब जो वायु जो होती है, जो कि जलीय वायु, ठीक है, मतलब जल के अंदर जो वायु होती है, उस वायु से जो विभिन्न गैसें होती है, उन विधि गैसों को अलग करने के लिए हम इस विधि का उपयोग करते हैं। कोई भूगर्भ से जब हम तेल है, कोई शुद्ध पेट्रोल है, डीजल है, कोई मिट्टी का तेल है, जो ये प्रोडक्ट निकलते हैं उन्हें शुद्ध करने में भी हम जो है प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग करते हैं। तो आप लिख सकते हैं, इस विधि द्वारा मिश्रित, इस विधि द्वारा मिश्रित द्रवों का पृथक्करण, पृथक्करण किया जाता है, पृथक्करण किया जाता है। ठीक है, इस विधि द्वारा मिश्रित द्रवों का पृथक्करण किया जाता है, और जिनका क्वथनांक अंतर, क्वथनांक अंतर बहुत कम हो, बहुत कम हो, ठीक है, बहुत कम हो, वहां पर इसका उपयोग किया जाएगा। और इसमें आप याद रख सकते हैं, इसके जो एग्जाम्पल मेन जो पूछे जाते हैं, बाकी मैं इसलिए नहीं बता रहा, जहां जहां मुझे इंपॉर्टेंस लगेगी वहां बताऊंगा, बाकी हम क्वेश्चन से कवर करेंगे, नो टेंशन रहना आप। जलीय वायु से विभिन्न गैसों, विभिन्न गैसों को पृथक करने में, ये बात आप याद रखिएगा कि जलीय वायु से जो विभिन्न गैसें होती है उन्हें पृथक करने में हम इसका उपयोग करते हैं। और नेक्स्ट है कि जो भूगर्भ से निकाले, भूगर्भ से निकाले पदार्थों, भूगर्भ से निकाले पदार्थों के शुद्धिकरण में, ठीक है, शुद्धिकरण में, ये बात याद रखिएगा, जैसे कि पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, खनिज तेल है, डीजल है, इन सभी को, ठीक है, तो जो भी भूगर्भ से निकाले जाते हैं पदार्थ उनके शुद्धिकरण में, ये है प्रभाजी आसवन विधि। नेक्स्ट विधि आती है दोस्तों वर्णलेखन। वर्णलेखन
विधि जो है दोस्तों कलरिंग वाले प्रोडक्ट जिसमें कलर वगैरह उपस्थित हो। ठीक है, तो देखो यह विधि किसी भी मिश्रण के जो घटक होते हैं अलग अलग, उन घटकों की जो दोस्तों अधिशोषण क्षमता हो उसके बेस पर जो है भिन्न भिन्न होती है, उसके बेस पर इस विधि का उपयोग किया जाता है और वहीं पर इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो आप लिखिए यह विधि किसी मिश्रण, यह विधि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों, जो भिन्न भिन्न घटक है उन घटकों की अधिशोषण, अधिशोषण यानी कि ऊष्मा को अधिशोषित करने की, या फिर जो है आप मान सकते हैं कि जो कलरिंग होती है अलग अलग प्रकार के जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें अलग अलग कलर होता है, तो उनकी जो ऊष्मा जो उन्हें अधिशोषण करने की जो क्षमता होती है वो भिन्न भिन्न होती है, वहां इसका उपयोग किया जाता है। शोषण भिन्न भिन्न, शोषण नहीं दोस्तों समता, ये यहाँ लिख दीजिए समता भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो वर्णलेखन यह विधि किसी मिश्रण के भिन्न घटकों की अधिशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होती है, तब इस वर्णलेखन विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसे डायरेक्ट ये लाइन टू लाइन क्वेश्चन ही पूछेंगे और जहां जिस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे वे सब करवाऊंगा आपको, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। नेक्स्ट विधि आती है दोस्तों आपके भाप आसवन। कौन सी विधि? भाप आसवन विधि। अब सर आसवन पढ़ चुके हैं, प्रभाजी आसवन पढ़ चुके हैं, ये भाप आसवन विधि क्या कहती है? तो ये दोस्तों कार्बनिक पदार्थों के शुद्धिकरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ये वे कार्बनिक पदार्थ आप लोग जानते हैं जल में अघुलनशील हो, उन अघुलनशील हो लेकिन ये वाष्प के साथ में क्या हो जाते हैं दोस्तों, वाष्पशील बन जाते हैं, जैसे एसीटोन है, मैथिल एल्कोहल है, एसिटाल्डिहाइड है, ऐसे पदार्थों को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो आप लिख लीजिए ऐसे कार्बनिक पदार्थों का शुद्धिकरण, कार्बनिक पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है, ऐसे कार्बनिक पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो जल में अघुलनशील, जल में क्या हो? अघुलनशील, परंतु वाष्प में, ये बात याद रखिएगा, वाष्प में, वाष्प के साथ, वाष्प में तो क्या करेंगे, वाष्प के साथ वाष्पशील होते हैं, वाष्पशील होते हैं वाष्प के साथ में। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि दोस्तों आप ले सकते हैं एसीटोन, ठीक है, एसीटोन के अलावा फिर आप मैथिल एल्कोहल, ठीक है, और हम मैथिल एल्कोहल के साथ क्या ले सकते हैं, एसिट एल्डिहाइड जो होता है दोस्तों उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं, एसिड एल्डिहाइड। ठीक है, इनका जो है दोस्तों इस प्रकार के कुछ कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग हम भाप आसवन विधि के द्वारा पृथक करने में कर सकते हैं। तो अब मैं एक बार सभी विधियों को पुनः जो है दोस्तों एक बार रिवाइज करवाता हूँ, फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं मिश्रणों का पृथक्करण, कितनी विधियों से किया जा सकता है? तो 6 विधियों से। कौन कौन सी है? क्रिस्टलन, आसवन, ऊर्ध्वपातन, प्रभाजी आसवन, वर्णलेखन और भाप आसवन। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्रिस्टलन विधि क्या है। तो क्रिस्टलन विधि, इस विधि का उपयोग दोस्तों कब किया जाता है? जब अकार्बनिक ठोस पदार्थ हो पहले तो, और उस अकार्बनिक ठोस पदार्थ में उपस्थित जो घटक होते हैं उन्हें पृथक करने में हम इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों आगे, आसवन विधि। इस विधि का मुख्यतः द्रवों के मिश्रण के लिए हम पृथक करने में उपयोग करते हैं, और जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तब हम आसवन विधि का उपयोग करते हैं।
इस आसवन विधि में, जो ये आसवन विधि है, इसमें पहला परक्रम वाष्पन होता है और दूसरा परक्रम सघनन होता है। नेक्स्ट है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का प्रयोग वे ठोस पदार्थ जो सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाए, द्रव में बदले ही ना, ऐसे पदार्थों को शुद्ध करने के लिए हम ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग करते हैं। और जो ये कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नेप्थिलीन, एंथ्रासीन, बेंजोइक अम्ल, जिसमें इस विधि का उपयोग किया गया हो, जो पदार्थ हो, उसे ऊर्ध्वपातज कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रभाजी आसवन। इस विधि का उपयोग भी द्रवों को पृथक्करण करने में किया जाता है, लेकिन जिनका क्वथनांक बहुत, जो क्वथनांक अंतर है वो बहुत कम हो, ठीक है। जलीय वायु से जो विभिन्न गैसें होती है उन्हें पृथक करने में हम प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग करते हैं। भूगर्भ से निकाले हुए पदार्थों को शुद्धिकरण करने में भी हम प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है वर्णलेखन, और यह विधि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों की जो अधिशोषण क्षमता होती है, जो भिन्न भिन्न होती है, वहाँ पर इस वर्णलेखन विधि का उपयोग किया जाता है। और लास्ट आती है भाप आसवन विधि, ऐसे कार्बनिक पदार्थ जिन्हें शुद्ध करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है, वे जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन वाष्प के साथ ये वाष्पशील होते हैं, जैसे कि एसीटोन, मेथिल अल्कोहल और एसिट एल्डिहाइड, ठीक है। आदि बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं जिनके बारे में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको ये बातें समझ में आती जाएगी। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रहा हो तो आप कमेंट करिएगा या डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ सभी अपॉर्चुनिटीज, मतलब आपको सभी प्रकार की हेल्प जो है दे रखी है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। अगर अच्छा लगा हो और क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर के पहली क्लास से लेकर के सभी क्लासेस देखते हुए आइए। मैथ की 50 क्लासें हो चुकी है और साइंस की ये थर्ड क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं मिश्रणों के पृथक्करण के बारे में। कल हम बात करेंगे परमाणु द्रव्यमान इकाई के बारे में, परमाणु का द्रव्यमान के बारे में, एवोगैड्रो संख्या के बारे में, परमाणु संरचना के बारे में, जिसमें रदरफोर्ड है, प्लैंक है, बोहर है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।